गाइस फाइनली हम जंगल सफारी की तरफ आ गए हैं, और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ से फ्री बसेस चलती है यहाँ तक के लिए, मतलब ये इसके जस्ट 3-4 किलोमीटर आ गई है। बढ़िया लग रहा है एकदम, प्लेस फुल मज़ा आने वाला है, एकदम तैयार है हम लोग। तो फाइनली हम जू के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर जो है ना भाई, बैटरी वाली कार्स हैं अंदर बहुत सारी, तो हम क्या परेशान ना हो, मतलब धूप इतनी तेज़ हो रही है, धूप में हम तपे ना, मतलब ये हमें सीधा एनिमल के केजेस के बाहर ले जाता है और आप आराम से अपना एंजॉय करें जू। भाई भैया ने ना गर्मी में भी मस्त गाने चला के माहौल बना रखा, एकदम मजे आ रहे हैं। भाई अब जो मुझे यहाँ की सबसे बढ़िया बात लगी ना, इन्होंने एक बड़ा सारा केज बना रखा है जिसके अंदर सारे जितने भी आपके पक्षी हैं वो सब इसके अंदर हैं, मतलब सब फ्री हैं, कोई ऐसे पिंजरे के अंदर नहीं है, काइंड ऑफ एक अपन कह सकते हैं लाइक पिंजरे में तो ऑब्वियसली ये हैं, बट एक बंदिश में नहीं है, जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हैं, लाइक खुले हैं एक तरीके से। ये मेरे को यहाँ की सबसे बढ़िया बात लगी। भाई उसको देख कैसे खा रहा है वो। ये है एशियाटिक लाइन गाइस, गर्मी बहुत है गाइस। यहाँ पर ना मैं एक बहुत प्यारी सी दोस्ती देखने को मिली है, एक लड़की की और एक जिराफ की, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खेल रहे हैं। ये हम काफ़ी देर से इनको देख रहे हैं, ये इसके पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रही है, मतलब बहुत मज़े आ रहे हैं। लाइक हमने देखा है कि बाकी एनिमल्स काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, बट मैंने पहली बार देखा है कि जिराफ और एक इंसान में कभी इतनी दोस्ती हो। लाइक सही बात है यार, अपन जानवरों को जितना प्यार देंगे वो अपने को उससे डबल ही देंगे, कभी कम नहीं देंगे। तो गर्मी के सबसे ज़्यादा मज़े लेते हुए हिप्पो हमारे सामने मस्त पानी में आराम करते हुए। तो यहाँ पर ना ऐसे टोटल दो बड़े केज हैं, एक पहले हमने देखा था, ये सेकंड केज है यहाँ का, ये भी काफ़ी बड़ा है अंदर से, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा लेकिन अब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और ये जितने भी केजेस हैं ना ये ओपन है, तो इनके ऊपर जो ये लोहे का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं पानी के, हर एक घंटे में इसमें यहाँ से बारिश होती है और लाइक जितनी भी यहाँ पर गर्मी होती है सारी मिट जाती है। ब्लैक डक मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, बहुत सुंदर है। वाइट डक तो अपन नॉर्मली देखते हैं, और ये पॉन्ड बना हुआ है इनके लिए। तो यार अब हम हमारे घर के लिए निकल गए हैं, काफ़ी थकान भी हो गई है, सीधा घर जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हम रवाना हो गए थे हमारे घर के लिए, लेकिन एक बहुत अमेजिंग चीज़ मिली है हमें रास्ते में, उसको देखने के लिए हम रुक गए हैं, अपनी कार खड़ी है, मतलब ये हमें सिटी में देखने को नहीं मिलती। ये देखिए आप, ये जो आपको दिख रही है ना ये कॉटन है, रुई जिसको हम कहते हैं, मतलब मैंने पहली बार देखी लाइफ में, फर्स्ट टाइम, ये सूख गई है। ये देखो भाई एक नंबर चीज़। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।